तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है, और आओ आपको पहले दिखाते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। आ जाओ। तो ये है जी मेरी गाड़ी। ये बहुत ओह वाओ, ये गाड़ी नहीं है यार। नाइस, ये गाड़ी अपनी नहीं है। हां हां, कौन सी अपनी गाड़ी है जी? ये ओह मर्सिडीज बेंज सी क्लास 200। लेट्स गिव अस अ ड्राइव ब्रो, होप ऑन होप ऑन। तो ये गाड़ी ऐसे नहीं चलती, इसका रुको रुको, इसका बहुत ही अच्छा फीचर है ये देखो, इसका बहुत अच्छा फीचर है, ये स्टैंड ऊपर करना पड़ता है। ओपन ओपन, ये देखो 360 है। ये क्या है यार, सवारी बिठा ही नहीं रही, कैसा ड्राइवर है? बदतमीज उबर ड्राइवर। पहले धक्का लगाओ, पहले गाड़ी को धक्का लगाओ। ये पैदान गड्डी में बजेंगे हम। आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं हम लोग। ये भी है जी अपनी गाड़ी है। और नाइस कार मैन, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो जी गाइस, आपको बता दिया मैंने कि होंडा सिटी हमने ले लिया है, इसके आपको फुल मैंने सिनेमैटिक्स वगैरह दिखा दिए हैं। तो अभी गाड़ी में हो गया जरा फ्यूल ख़त्म, और अभी हम जाएंगे जरा फ्यूल भरवाने। हैवी किस्म का फीचर है ना इस गाड़ी के अंदर जो मुझे अच्छा लगा है, वो है जी क्रूज़ कंट्रोल। और इस वक्त मैंने मतलब क्रूज़ का वैसे ऑन कर दिया है, तो जैसे ये 40 से ऊपर जाएगी ना गाड़ी, तो मैं इसको क्रूज़ सेट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको ये क्रूज़ लगा के भी दिखाऊंगा। अभी कोई सड़क आए अच्छी लंबी सी इस साइड, बल्कि इस वाली साइड पे चलते हैं, इस साइड पे, क्योंकि पेट्रोल पंप भी है, क्रूज भी लग जाएगा। ये देखो हमारा फ्यूल भी एंड हो गया, और येलो येलो लाइन येलो वो चल पड़ी है। रुक 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 रुक, यार ये तो आगे जंप है, दो क्रूज लगेगा ही नहीं। क्या दिखाते हैं सही नहीं, ठीक है आपको दिखाते हैं एपिंग रोड से, क्योंकि ये सड़क जो है ना, आप दिखाओ आगे कैसे वो ट्रैफिक है थोड़ी सी, मतलब इधर उधर गाड़ियां हैं और ये स्लो के निशान बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पे स्लो करनी पड़ेगी गाड़ी। तो अभी फिलहाल हम ये भरवाएंगे फ्यूल, और वहाँ से ऐसे आगे से घुमा के आएंगे एपिंग रोड पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। बाकी गाड़ी का एसी वगैरह बड़ा हैवी किस्म का है, कोई गर्मी में शिष्टे करता है। देखो इतनी इतनी सर्दी लग रही है मुझे कि मैंने जैकेट पहन ली कैसे गर्मी में जैकेट। और गाड़ी के स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं, ब्लूटूथ यूएसबी ये डलवाएंगे यहाँ से फ्यूल, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त फ्यूल है $147.9। मुझे लगता है इसके पास फ्यूल ना कम ख़त्म हो गया है। नहीं नहीं है, इस पर सॉरी किस पे लिखा है, ये 10 तो है ना। तो ये जी अपना पंप के पास आ गई है, टंकी के नहीं आई। Yeah. गाड़ी करें हम लोग बंद, कैमरा मैन बाहर आ जाओ। हमको ना यहाँ पे फ्यूल ना खुद डालना पड़ता है, और ये हमने खोल दिया। अब हमने जो डालना है वो ये वाला है, ठीक है। इस पर कितना रेट आ रहा है ये दिखाएं मेरा 147.9। अभी हम ये करेंगे सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, कोई आपको देखे कि नज़र आ रहा है वो भी अपना कर रहे हैं, वो देखें अपना खा रहे हैं, हमने भी अपने फ्यूल खुद खाना है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाता जाएगा मुझे जो है ना दिल का हार्ट अटैक आता रहेगा, और डॉलर ऊपर जा ही जा रहा है, $24, $25, $26।
इसकी जो टैंकी मेरे ख्याल में है 35 लीटर की, दो लीटर का रिजर्व पड़ा होगा अंदर, और ये 30 लीटर या 31-32 लीटर तक ही भरेगा आई गेस। 4 लीटर पड़ा होगा इसके अंदर, 32 लीटर पड़ा। तो 47 रुपये की पेट्रोल, 47 रुपये ही नहीं डॉलर, पाकिस्तान में ये जब दो डॉलर का था ना पेट्रोल, तो मैं 80 डॉलर की टैंकी भरवाता रहा था। 80 इको बहुत पेट्रोल डालती है, चलो मैं पे करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो काउंटर कौन सा है इसके दिमाग फोर्ड? आजो 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 और ये हम भगाने लगे हैं गाड़ी दूं। इशारे पे हमें रुकना पड़ेगा बहुत ही, बल्कि हम यहाँ तो कहते रिवर्स लेते हैं, इतनी लंबी कहाँ है वो है, रिवर्स लेते हैं। ये देखो अब मैं क्रूज लगाने लगा हूँ, ये 40 पे चली गई है और ये जी लगा दिया मैंने क्रूज, ये अब अपनी स्पीड से जाती रहेगी, लेकिन आगे गाड़ी आ गई है तो हमें क्रूज तोड़ना पड़ेगा, यही मसला है। ये फिर लगा दिया मैंने क्रूज लगा दिया। अब ये देखो मेरा पैर, ये वाला ये देखो ये अब जाती जाएगी, लेकिन अब राउंड अबाउट आ गया, हमें फिर आहिस्ता करनी पड़ेगी। ये क्या है? एक टंकी पर कितने किलोमीटर सेलिंग कुछ बेच रहे हैं देखते हैं, बच्चे कुछ बेच रहे हैं। If you feel comfortable. Yeah. So these guys are selling this Play-Doh, the clay. And can you hold this one? It's a very cute, a little child. And 50% is going to the charity. Which one is the largest? Larger. This one. This one. Oh, that's really big. It's $4. Yes. Okay. And yes. All right. Okay, give me this one. Let's see. Thank you. No, all good. It's all good. Yeah. All good. No worries. See you guys. इस प्लेटो को हमने करना क्या, मुझे ये बताएं। इस प्लेटो से खेलते रहे घर में। इस प्लेटो से खेलते रहे। ये इसने यूज किया है, फिर इस खापस में डाली है। क्या बात, छाए पड़े हैं बच्चे यार छोटे छोटे से। तो हमारी गाड़ी का खत्म हो गया इंट्रो शिंट्रो, हमने क्या कहना है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर। हाँ बस सारे ये इसके अंदर मोड शॉट सारे यहाँ पे हो जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड, कौन सा मोड होता है और नॉर्मल मोड, इको मोड, ये सारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मोड थे। मजाक कर रहा हूँ। इससे ये रेडियो के चैनल चेंज होते हैं इस मोड से, ये ब्लूटूथ सीडी, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और दैट्स इट। गाड़ी में तो बस यही है, सारे ऑटोमेटिक हैं और वो वाले मिरर्स भी मेरे ऑटोमेटिक हैं, उनको जरा दिखाएं जरा भाई, ये देखिए। तो अभी मैं अब जाऊंगा घर और आप देखोगे मैंने ये गाड़ी कैसे दिलवाई है, उसके अंदर मैंने इसकी प्राइस भी बताई है कितने की मैंने ली है और कहाँ से ली है और कैसे ली है।
कार वॉश करवाने हैं और ये अपनी डिक्की खुली हुई है। ये है जी अब ब्रश वॉश की टिकट, तो अभी हम लोग जाएंगे ये इसके अंदर। गाड़ी वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी भी आप पंप पे आओ, ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूम होता है, सीधी सी बात है। $2 का 6 मिनट के लिए मुझे वैक्यूम मिला, मैंने वैक्यूम चलाया और सारा अंदर मैट शर्ट और ना ये सारा साफ कर दिया। तो बाकी ये है कि ये जो इसे पता नहीं अब क्या कहते हैं, कूल्स एक्सप्रेस, ये मशीन है कार वॉश, तो इसकी भी आपको टिकट मिल जाती है। अभी मेरी टिकट कहाँ गई, ये पड़ी हुई आपको दिखाई भी थी। तो ये इसके लिए काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं, $14 के 2 वॉश मिल जाते हैं या $9 का 1 वॉश मिल जाता है या $10 का, तो आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आप ले लो वॉश। तो ये तकरीबन 90 डेज या 45 डेज़ के लिए ये वैलिड रहते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो अभी मैंने लिया $20 के 2 वॉश, इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी ज़रा ना अपग्रेडेड वही है ना, मतलब 3 वॉश होते हैं टोटल, सबसे मामूली सा हल्का हल्का पानी फेर को फारिग, और दूसरा ये थोड़ा शैम्पू वैम्पू लग जाता है शैम्पू। तो सीन ये है कि जो मेरे पास टोयोटा इको थी वो मैंने ली थी 2005 मॉडल, वो मुझे मिली थी तकरीबन राउंड अबाउट $2,700 की राउंड अबाउट। तो वो मैंने अभी पिछले महीने, मैंने 2 महीने पहले शायद या महीना पहले मैंने ना बेच दी। ये व्लॉग मैं अभी लेट बना रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने पहले ले ली थी। तो वो जो गाड़ी थी वो मैंने 2700 के ली और मैंने वो बेची $3,700 की, 1000 का मुझे प्रॉफिट आया। और मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैं फ़ौरन गया हूँ और जाके मैंने इंस्पेक्शन किया। फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी सारी आप गाड़ियाँ देख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो आप उठा सकते हो डायरेक्ट। तो मैंने उसको मैसेज किया मार्केट प्लेस पर, मुझे गाड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा इंस्पेक्शन करनी है, वो उसने कहा आ जाओ। मैं फ़ौरन गया हूँ और गाड़ी इंस्पेक्ट की है, चलाई है, इंजन वगैरह चेक किया, टायर्स चेक किए हैं, ब्रेक्स चेक किए हैं, स्टेयरिंग वगैरह, इंजन ऑयल, शॉक्स, तो लीकेज वगैरह तो कोई नहीं है, ये सब मैंने चेक किया। तो उसने लगाई भी थी थोड़ी सी महंगी, 7000 समथिंग की, तो मैंने ज़रा कम करा करूँ के ना 6000 के आसपास ले आया, $6,000 की। तो मैंने फिर ये बस उससे डील कंफर्म की, अपने नाम पे रजिस्टर करवाई। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, जिसे आप गाड़ी लेते हो वो ऑनलाइन ही आपके नाम पे रजिस्टर कर देता है उसी वक्त ही। बस फर्स्ट टाइम जो होता है आपको NSW के ऑफिस आना पड़ता है। जब मैंने ईको ली थी तब मैं NSW के ऑफिस गया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जब एक दफ़ा आप NSW के या उसके रिकॉर्ड में आ जाते हो ना, तो आप किसी को भी ऑनलाइन उसी वक्त ही आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसने बस यही किया, मुझे ऑनलाइन मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, और कोई फ़ीस होती है $60 ट्रांसफ़र फ़ीस, वो मैंने दे दी है। बाकी मैंने इस गाड़ी पे इंश्योरेंस वगैरह भी करवा ली और इट्स गुड टू गो ऑन द रोड। हाँ, ये जो गाड़ी है ना, ये है जी 2009 होंडा सिटी 1.5 लीटर्स और सेडान। ये हो गया जी रेडी 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 रेडी, लेट्स गो। मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब, और जो मेरी ऑडियंस है ना, मतलब वीडियोस 50% से ज़्यादा ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियोस देखते जा रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आइंदा जब भी कोई वीडियो देखे यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बोलना था भाई, ये भी अपनी थी टोयोटा इको 2005, वो छोटी सी गाड़ी जो थी।
चार पहियों वाली, ये भी वैसे चार पहियों वाली ही है, लेकिन क्या पता किसी का पाँच पहिया भी आ जाए, लेकिन उसको छोड़ो, बात की बात है। और कट 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 कट।